हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम आज के रिव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप मेरी कोई नई अपडेट या नए रिव्यूज को मिस ना कर सके। तो चलिए हम आज के रिव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मेरे सामने मकेन के फ्रेंच फ्राइज हैं। तो आज इस प्रोडक्ट पे मैं अपना रिव्यू देने वाली हूँ, जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ, और हम इसके बारे में देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और इसकी खास बात क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोडक्ट है, ये फ्रीजर से आपको सीधा इसे निकाल कर इसे बस फ्राई करना है। इसमें ऐसा बनाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये रेडी टू ईट प्रोडक्ट है जो सिर्फ कुछ मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे मैंने अभी फ्रीजर से बाहर निकाला है, यानी कि आपको इसे फ्रीजर में ही स्टोर करना है। प्राइस की अगर हम बात करें तो अगर आप कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, बिहार और यहाँ पे जितने भी स्टेट्स दिए गए हैं, चंडीगढ़, राजस्थान, यहाँ रह रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट 100 रुपीज का मिलेगा। अदरवाइज ये आपको 95 रुपीज में, दूसरे स्टेट्स में अगर आप रह रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा 95 रुपीज में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका जो टोटल वजन है वो 525 ग्राम्स का है। प्लस इस प्रोडक्ट में आपको एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स और सोडियम जैसी चीजें मिलेंगी इस प्रोडक्ट को खाने से। और ये 92% पोटैटोस से बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और बाकी इसमें ऑयल यूज हुई है। अब इसको बनाने के 3 तरीके हैं, या तो आप इसे कढ़ाई पर फ्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो इसे बेक कर सकते हैं ओवन में, या फिर आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अगर आप इसे कढ़ाई पर बनाना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको अच्छे खासे अमाउंट में ऑयल लेकर कढ़ाई पर पहले ही गर्म कर लेना होगा। उसके बाद इस प्रोडक्ट को आपको फ्रीजर से निकालना है, कट करके डायरेक्टली जो फ्रेंच फ्राइज है आपको उसे डायरेक्टली कढ़ाई में डालना है, और उसके बाद में आप उसे निकाल लेंगे तो वो रेडी टू ईट हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपको वापस से इसको अच्छी तरह से बंद करके वापस फ्रीजर में ही रख देना है। आप इसे ऐसे खुला बाहर नहीं छोड़ सकते और फ्रिज में भी नहीं रख सकते, आपको इसे फ्रीजर में ही रखना होगा। दूसरा जो तरीका है वो है ओवन का। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो आपको ओवन को 220 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करना होगा। उसके बाद में करीबन 18 मिनट के लिए आपको ओवन में इसे पकाना होगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो है एयर फ्रायर का। उसमें भी सेम तरीके से आपको 220 डिग्रीज पर उसे प्री हीट करना होगा, उसके बाद में करीबन 18 से 20 मिनट तक उसे अंदर पकाना होगा। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप फ्रेंच फ्राइज को बना सकते हैं। ये रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज है, आपको बस इसे तलकर निकालना होगा। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, खाने की इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका टेस्ट कैसा है। तो इससे पहले, लेकिन ये बनाने से पहले, मैं आपको इसे खोलकर दिखा दूं कि ये प्रोडक्ट पैकेट में कैसे आता है। मैं कुछ थोड़ा सा इसमें से निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस, क्योंकि मैंने अभी इसे फ्रीजर से निकाला है तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, पर जब शायद आप इसे डालेंगे तेल में तो ये खुलकर एक दूसरे से अलग हो जाएगा, या तो फिर आपको इसे अपनी करछी से इसे अलग करना होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं, देखते हैं, और मैं आपको इसके बारे में फिर पूरी डिटेल्स बताती हूँ। चलिए इसे बनाते। तो हमने इसे बना लिया है और ये बस कुछ ही मिनटों में बनकर रेडी हो गया था। आपको करीबन इसे बनाने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे और बस ये 3 मिनट में बनकर रेडी हो गया था। तो अब बात इसकी क्वालिटी की करते हैं, तो क्वालिटी इसकी काफी अच्छी लग रही है, आप इसमें देख ही सकते हैं। जिस तरह से आपको पिक्चर्स में दिखाया गया ये एग्जैक्टली वैसा ही है, और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। टेस्ट की बात करें तो हम इसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये कैसा है खाने में। इसका खाने में भी टेस्ट काफी अच्छा है, बट अगर आप इसको मैकडी से कंपेयर करें तो वो टेस्ट काफी डिफरेंट है, बट देन टू इसका टेस्ट काफी अच्छा है। बट अपनी तरफ से आपको इसमें एडिशनल सॉल्ट या पेरी पेरी मसाला आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब बात हम इसकी क्वांटिटी की करते हैं। अगर आप 1 पर्सन के लिए इसे बना रहे हैं तो आप इस पूरे प्रोडक्ट को कम से कम 2 बार यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके घर में 2 से ज्यादा पर्सन है तो ये जो प्रोडक्ट है वो 1 बार में ही खत्म हो जाएगा। सो कंपैरेटिवली अगर हम मैकडी से कंपेयर करें इसको, तो एक फ्रेंच फ्राइज वहां पे 99 रुपीज की मिलती है अगर आप बड़ा पैक लें, जो सिर्फ एक इंसान के लिए होता है। बट ये जो प्रोडक्ट है ये आपको 95 रुपीज में
बहुत ही सफिशियंट अमाउंट में मिल रहा है, मतलब आप एक से ज्यादा बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है, तो जरूर इसे ट्राई कीजिए और आप इसे बना सकते हैं अपने घर में। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाता है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिव्यू में एक और नए रिव्यू के साथ, एक और नए प्रोडक्ट के साथ में। तो आप जरूर मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, और अगर ऐसी और कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप मेरा जेन्युइन रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।